बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं पानी व्यवस्थापन। पानी व्यवस्थापन पद्धति के ऊपर हमें निबंध लिखना है। यह निबंध हम यहाँ लिख रहे हैं, आप इसे आपके कॉपी में लिखना है और इसे रीड करना है। ओके, पानी व्यवस्थापन पद्धति निबंध। पानी ही जीवन है, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और हमें पानी की कमी महसूस होती है, इसलिए पानी का व्यवस्थापन मतलब पानी बचाना जरूरी है। हम अपने घर में देखें तो पानी के सिवाय कौन सा भी काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्नान हो, खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, शौचालय, बाथरूम की सफाई, लादी, फर्नीचर धोना, और साथ ही साथ हमें पीने के लिए भी पानी लगता है। किसी किसी गांव या शहर में तो पानी 24 घंटे चालू रहता। वो लोग बिना सोचे समझे तमाम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी जगह पानी 2-3 दिन के बाद आता है। वो लोग बराबर अपना हंडा, कलसी, बकेट, फिल्टर या पानी की टंकी का पानी सोच समझ कर यूज करते हैं। तो इस तरह सबने ही पानी संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर एक साल बारिश सेम नहीं होती है। जमीन के अंदर का पानी जो हम बोरवेल से निकालते हैं वो भी कम हो रहा है। हमारे साथ साथ खेती कारखानों में पानी की जरूरत है। पेड़ पौधों को, पशु पंछियों को पानी की जरूरत है, इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाना हमारा फर्ज है। और इसीलिए अभी मैं इसके साथ में आपको एक कविता भी भेजने वाली हूँ। तो इस तरह मैंने आपको पानी व्यवस्थापन का निबंध बताया है, तो आप लोग यही निबंध को देखकर अपने मन से और भी पानी के बारे में आपके सोच विचार लिख सकते हो।